हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीधे लिए चलेंगे आपको प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, पूरा भारत इन दोनों सवाल पूछ रहा है, बिहार में काबा और दुनिया ये पूछ रही होगी कि अमेरिका में काबा। जी बिल्कुल, वाकई में अमेरिका में काबा का हाल आप देख सकती हैं इस समय कैमरे के ऊपर, क्योंकि इस तरीके की तस्वीर है। व्हाइट हाउस के ठीक बाहर हम इस समय खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रोटेस्ट की जगह है बीएलएम प्लाजा, वहां की तस्वीर कुछ इस तरीके की है। रात होने के बावजूद जैसे जैसे रात गहराती जा रही है यहाँ गहमा गहमी बढ़ रही है, क्योंकि नतीजों की तस्वीर भी जो है वो डामाडोल हो रही है, एक सीसॉ की तरह है जिसके अंदर कभी जो बाइडेन आगे हो जाते हैं कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें स्विंग स्टेट्स के अंदर भी जो शुरुआती नतीजे आए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नतीजा आया है फ्लोरिडा से। आपको ध्यान होगा 2000 में अल गोर और जॉर्ज बुश के बीच में इसी तरीके का जब कांटे का मुकाबला हुआ था, जब मामले का पेंच फंसा था तो फ्लोरिडा को लेकर ही फंसा था, क्योंकि फ्लोरिडा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट है और फ्लोरिडा फिलहाल जो है 88% से ज्यादा वोट काउंट वहां हो चुका है और वहां पे 50% से ज्यादा वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं। एक रोचक इतिहास फ्लोरिडा का ये भी है विकास कि बीते 100 सालों से ज्यादा वक्त के दौरान अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस नहीं पहुंचा फ्लोरिडा को बिना जीते, यानी फ्लोरिडा जीतने वाला जनरली व्हाइट हाउस पहुंचता, ये अभी तक की परंपरा रही है। लेकिन इस बार के चुनावी नतीजों में क्या कोई उलटफेर होता है? जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, पॉपुलर वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिलता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है जो कि पिछली बार नहीं था, लेकिन इस बार जो बाइडेन के पास में इलेक्ट्रल कॉलेज ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये तस्वीर धीरे धीरे जब स्विंग स्टेट्स आएंगे, खासतौर पर पेंसिल्वेनिया जहां पर डाक मतों की गिनती जो है वो 3 दिन बाद तक भी होनी है, तो इस बार डाक मतों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। वोटिंग किस काउंटिंग किस तरीके से होती है और धीरे धीरे ये जो डिफरेंस है जब ये क्लोज इन होता जाएगा तब ये रेस और कांटे की होता जाएगी। जैसे कि मधु या सविता भी बता रही थी कि यहां पर डेफिनेशन ऑलरेडी तय है, रेड स्टेट ब्लू स्टेट, यानी वाशिंगटन डीसी अपने आप में ब्लू इलाका माना जाता है, इसके आसपास वर्जीनिया और मैरीलैंड के इलाके हैं वो भी ब्लू स्टेट्स हैं, तो इसलिए बहुत सारे जो ब्लू स्टेट्स हैं। तस्वीरें अभी भेजी थी वो हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने डांस का वीडियो ट्वीट किया था, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिलचस्प तस्वीरें हैं। लेकिन एक दिलचस्प सवाल मेरे भारतीय दोस्त पूछ रहे हैं प्रणय, जो अमेरिका में बसे हुए हैं, क्या मेलानिया अपना करवा चौथ मना पाएंगी आज? पार्टी रखी गई थी वो फिलहाल उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ट्रंप इंटरनेशनल होटल यहां से व्हाइट हाउस से थोड़े नजदीक में ही है, लेकिन वहां पर न जाके डोनाल्ड ट्रंप अंदर हैं और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है, करीब 150 लोगों के जाने का इंतजाम व्हाइट हाउस में किया गया है। उन्हीं के साथ अगर नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तो उनके साथ वो इवेंट करेंगे। हालांकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं विकास कि कंसेशन स्पीच उन्होंने अभी तक लिखी नहीं है, वो हारना पसंद नहीं करते हैं, तो ये देखना होगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर ट्रांसफर है वो अंतर्निहित माना गया है, उसे प्रेसिडेंस माना जाता है, उसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ऐसे में ये अमेरिका के लिए संवैधानिक संकट भी हो सकता है कि अगर एक चुना हुआ राष्ट्रपति अपने पद वैकेट करने से इनकार कर देता है तो क्या होगा? ये सारी चीजों के ऊपर नजरें होंगी, लेकिन फिलहाल ये सवाल जरूर है। वो कुछ अमेरिकी चुनाव को कुछ इस तरह से देखते हैं कि बीजेपी को वोट दिया या कांग्रेस को, हंसी मजाक में मस्ती में, और ऐसा ही एक दिलचस्प सवाल पूछा है मेरे भारतीय दोस्त ने, क्या मेलानिया व्हाइट हाउस में, आज करवा चौथ है भारत में, क्या मेलानिया व्हाइट हाउस में करवा चौथ मना पाएंगे अच्छे से? जी बिल्कुल, मैंने विकास साहब से यही कहा कि व्हाइट हाउस में उनका जो चांद है एलीट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो इस समय राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के अंदर भी मौजूद है, और जो इंतजाम है वॉच पार्टी के उसमें बेहद कम लोगों को, 150 लोगों के का इंतजाम किया गया व्हाइट हाउस के अंदर। अगर वो यहाँ पर जमा होते हैं और उनके साथ कुछ प्रीस्ट भी बुलाए गए हैं और सिलेक्टेड लोगों को व्हाइट हाउस के अंदर उनके साथ में एक वॉच पार्टी का इंतजाम किया गया है, क्योंकि जो वॉशिंगटन डीसी की मेयर है उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी इस चीज को लेकर कि एक जगह पे 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं, और इसीलिए ट्रंप इंटरनेशनल होटल जो इसी पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर कुछ दूरी पर है जहां पर उनकी टीम को पहले एक बड़ी वॉच पार्टी का इंतजाम किया गया था। ये वॉच पार्टी पहली बार वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप की टीम को करनी थी, इसके पहले वो न्यूयॉर्क में थे जब 2016 में उन्होंने चुनावी रेस में पहली बार अपना दावा रखा था और वो चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद है, यानी
इस समय आप जो अपने कैमरे में व्हाइट हाउस देख रहे हैं उसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप दोनों मौजूद हैं। बिल्कुल प्रणय, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा और